Hello, students, how are you all? Hope so, all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today, we will discuss the pronoun and its types. Let's start. In the light board, and today, in the I told you we are talking about pronoun. प्रोनाउन बेसिक डेफिनेशन तो आप सब बच्चों को पता है और वो क्या है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट अ अनाउन प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाते हैं नाउन को रिप्लेस करता है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रो नाउन प्रो का मतलब ये है हामी हिमायती तो प्रो नाउन का मतलब ये है कि अ थिंग दैट स्टैंड फॉर नाउन दैट सपोर्ट्स द नाउन जो नाउन की जगह पर उसके कायम, कायम के तौर पर मौजूद होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रो नाउन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही लिव्स नियर माई हाउस तो ही जो है डैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अली तो ही क्या होगा यहाँ पर दैट विल बी कॉल्ड आर प्रोनाउन अब प्रोनाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें पर्सनल प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन है इंडेफिनेट प्रोनाउन है और बेशुमार चीज़ें तो उन सारी टाइप्स में से जो है आज जो पहली चीज़ हम करने जा रहे हैं आज के डिस्कशन की जो पहली पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोनाउन के हवाले से डैट इज पर्सनल, डेट इज पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एरर्स भी आपको पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से ही आते हैं सो so, इसको ज़रा ध्यान से देख लें बट बिफोर वी मूव ऑन टू पर्सनल प्रोनाउन इसका एक टेबल आपके लिए बना देता हूँ और उसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसमें एरर भी आप करते हैं क्योंकि बहुत शुरू से वो चीजें आप गलत पढ़ते आ रहे होते हैं गलत आम चीजें हैं जो बहुत ही रिपीटेडली हम गलत करते हैं सो हम देखते हैं सबसे पहले टेबल बना देता हूं उसका नाउ के तीन पर्सन हैं जी बेसिकली फर्स्ट पर्सन है देन सेकेंड पर्सन है और लास्टली थर्ड पर्सन है ये तीन पर्सन कैसे बनते हैं आ, ये भी अभी आपको बता दूंगा और फिर इनमें दो तरह की सिनारी जो है वो डेवलप हम करते हैं नंबर वन तो ये प्रोनाउन या तो सिंगुलर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं ये प्लूरल हो सकते हैं इन द सेम वे सेकेंड पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकता है और ये Plural भी हो सकता है और थर्ड पर्सन में भी कुछ इसके सिंगुलर फॉर्म होंगी और कुछ इसकी इसकील फॉर्म होंगी तो ये तो इसके नंबर के हवाले से डिवीजन है कि फर्स्ट पर्सन भी और सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी ये सारे जो है आपके सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और फ्लूरल भी इस्तेमाल हो सकते हैं सो so, इसके बाद जो अगली चीज इसमें इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से दैट इज द केस केस दो तीन तरह के हैं वो हम देखते जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जी आपका सब्जेक्टिव केस है ठीक है सब्जेक्ट से बेसिकली निकला तो सब्जेक्टिव केस इसको कहते हैं देन द सेकेंड वन इज सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जेसिव केस एंड पोजेसिव ऑब्जेक्टिव अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर ये पोजेसिव ऑब्जेक्टिव है तो हम इसको प्रोनाउन के उसमें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एक गलतम चीज़ जो हमारे यहाँ तासर पाया जाता है वो हम पोजैसव एडजेक्टिव और पोजैसि प्रोनाउन में फ़र्क नहीं करते एंड दैट इज़ वाई वी मेक अ होल लॉट ऑफ एरर्स बेशुमार तरह के एरर्स जो है वो हम करते हैं और अभी मैं आपको डिफरेंस में बता दूंगा कि इनमें डिफरेंस बुनियादी तौर पर क्या है तो so चलते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस की तरफ सिंगुलर इसका आई होता है और प्लूरल इसका वी होता है देन सेकेंड पे सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है और थर्ड में इसका सिंगुलर ही शी और इट है जबकि इसका प्लूरल जो है दे अब यहां पर मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्यों कहलाते हैं देखिए फर्स्टन इज दू इनिशियन दैट इज वॉल्ड दस्ट पर्सन इन्वॉल्व इन दैटेशन फॉर एग्जाम्पल दोस्त जा रहे हैं यहाँ से लाहौर से कराची जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और मुल्तान जाते तक उनके दरमियान कोई गुफ्तु नहीं होती तो उनमें से ना ही कोई फर्स्ट पर्सन होगा ना ही कोई सेकंड पर्सन होगा बिकॉज द डिस्कशन हैजन बीन इनिशिएटेड वो तो बिल्कुल शुरू ही नहीं हुई तो इसलिए कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं होगा और कोई भी सेकेंड पर्सन नहीं होगा मुल्तान पहुँच के एक दोस्त उतरता है एक शख्स उतरता है और वो स्टेशन से जाके कर पकौड़े लेता है या बर्गर लेता है और वो वापस आके जब सीट पे बैठता है तो दूसरे वाले शख्स से कहता है कि भाईजन आप ट्राई करेंगे अब जैसे ही वो ये बात करेगा इनिशिएट करेगा

उस गुफ्तु में शामिल दूसरा शख्स कौन होगा द वन हु इज सिटिंग देयर जिसके साथ बात हो रही है वो कौन होगा उसके सामने बैठा हुआ यू जैसे अब ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ डिस्कशन और बात किससे हो रही है आप बच्चों से बात हो रही है सो यू पीपल आर द सेकेंड पर्सन आप जो है वो उस गुफ्तु में शामिल दूसरा शख्स है तो दैट इज वाई यू इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन और फिर वो दोनों दोस्त मिलते हैं साथ पकौड़े भी खाते हैं और साथ किसी तीसरे दोस्त दोस्त की जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है उसकी चुगलियाँ शुरू कर देते हैं या उसकी तारीफें शुरू कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर तो जब वो उसकी जिस बंदे की चुगली या तारीफ कर रहे होंगे वो क्या होगा ही विल बिकम द थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन दैट डिस्कशन इसीलिए ही शी जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है दे आर कॉल्ड द थर्ड पर्सन सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है कि जब आप उनको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जब वो कोई एक्शन रिसीव कर रहे होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है दैट इज मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है दैट इज अस इसके बाद जो सिंगुलर है यू uh, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है और इसका सब्जेक्टिव केस भी यू है दोनों ही सूरतों में ये यू ही रहेगा दोनों सूरतों में इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सिंगुलर और प्लुरल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और ये बड़ा ध्यान से आपने देख लेना है क्योंकि इसीलिए यू को इस्तेमाल करते हुए आप गलती करते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू मेक एरर्स बिकॉज इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों बिल्कुल सेम है अब दोनों चूँकि सेम है दैट इज वाई यू मेक मिस्टेक्स यू मेक आर एस नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ही शी इट में उसी तरह रिस्पेक्टिवली हिम हर और इट ये इसका सिंगुलर में है और Plural में क्या हो जाता है इट बिकम्स चलते हैं सब्जेक्टिव पोजेसिव केस में और पोजेसिव एडजेक्टिव में हम कैसे फर्क करते हैं आई का पोजेसिव केस जो है दैट इज माइन और इसका जो प्लुरल है पोजेसिव केस का दैट इज आर्स इसी तरह जब हम सेकेंड वन को देखते हैं यू तो इसका पॉजिशिव केस है योर्स और योर्स दोनों सूरतों में जो है ये क्या रहेगा दोनों सूरतों में योर्स ही रहेगा दोनों सूरतों में कोई चेंज नहीं आएगी और थर्ड uh, पर्सन में जब हम जाते हैं तो इसका पॉजिटिव केस है हर्स और इट्स आगे जब हम चलते हैं दे में तो इसका बनता है जी इसका बनता है देअर्स so, ये आपने देख लेना और आगे अभी जब पोजेसिव एडजेक्टिव करते हैं तो फिर आपको ज्यादा क्लियरली क्या बात समझ में आ जाएगी पोजेसिव पोजेसिव केस का एडजेक्टिव है जबकि पोजेसिव केस क्या था दैट वाज माइंड इसी तरह इसका पोजेसिव एडजेक्टिव आर है आर्स नहीं है देन सिंगुलर में भी आप देखते हैं यू में तो इसका पोजेसिव केस यूर है और इसका पोजेसिव केस भी पोजेसिव केस योर्स है और पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्या है योर है विदाउट एस अच्छा अब यहां पर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द यूज ऑफ योर्स प्लीज डू नॉट यूज वजह बिकॉज ये वाला योर्स जो है ये नॉन एग्जिस्टेंट है ये कोई वर्ड ही नहीं है और लॉजिकली भी बता देता हूं कि कैसे नहीं है apostrophe आप क्यों यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी आप यूज करते हो अभी हमने नाउन के उसमें पढ़ा एबसेकट ना उन मेटीरियल ना उन्हें पॉस्ट्राफी आप यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द पोजेशन कि ये तुम्हारी है ये चीज़ ये ये पेन तुम्हारा है तो उसका पोजेशन शो करने के लिए ये पेन अली का है तो हम पोजेशन शो करने के लिए हम कहते हैं अलीज पेन जब उसने ऑलरेडी कह दिया योर तो योर का मतलब क्या है तुम्हारा तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इतनी तसलीओ की ज़रूरत नहीं है इसके बगैर भी काम चल सकता है योर इट है तो ये वाला जो है इट इज अ नॉन एग्जिस्टेंट वर्ड पता नहीं हमने कहां से इसको डेवलप किया हुआ है बहर ये योर्स आपने किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करना या तो योर्स एस वाला इस्तेमाल होगा या ये वाला योर इस्तेमाल होगा ये पॉस्ट के साथ एस जो है इसकी जरूरत नहीं है इट्स अ नीडलेस थिंग टू डू दैट इज नीड लेस वेक्ट बिकॉज यू योर ऑलरेडी पोजेशन शो कर रहा है आगे बढ़ते हैं हम जी हिज हर और इट्स इट्स ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पर एरर आता है क्योंकि आप नॉर्मली जब आप पढ़े होते हो स्कूल्स में कॉलेजेस में अपने जूनियर uh, स्कूल या हाई स्कूल में तो नॉर्मली हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों को एक ही समझ लिया जाता है पोजसिव केस और पोजसिव एडजेक्टिव इन दोनों को हम एक ही कैटेगरी में पुटअप कर देते हैं एंड दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ पोजसिव प्रोनाउन No. My, are, your ये प्रोनाउन नहीं है कैसे नहीं है अभी आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि कैसे हम इनको पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते मचलन, अगर मैं आपसे कहूँ, दिस इज माए और आगे ब्लैंक कर दूं और कहूं दैट वाज योर और फिर ब्लैंक कर दूं तो कैन दे कॉल कैन दे बी कॉल द कंप्लीट सेंटेंसेस क्या हम इनको कंप्लीट सेंटेंसेस कह सकते हैं नहीं ऑबियसली आप कहेंगे कि सर इसके साथ कोई ना कोई नाउन लगेगा जब तक ये ब्लैंक है माय के बाद आगे कुछ नहीं है योर के बाद आगे कुछ नहीं है तो उस वक्त तक ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा दिस इज़ माय व्हाट दैट वाज योर व्हाट क्या वो तुम्हारा था क्या कुछ ना कुछ आपको बताना होगा ना नाउन बताना होगा फॉर एग्जांपल मैं ये कहूंगा दिस इज़ माय बैग ओके गुड एन आफ दूसरी तरफ मैं कहता हूं दैट वॉज योर एरर तो अब ये जुमली कंप्लीट हुई ना इट मीन कि एरर इज क्वालिफाइड बाय योर और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट योर नीड्स अ नाउन योर नाउन के बगैर क्या है ना मुकम्मल है या यहां पर माए नीड्स अ नाउन दैट इज बैग सो माए बुनियादी तौर पे क्या कर रहे किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसकी नाउन की पोजेशन के बारे में बता रहे ठीक है तो फिर अगर वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो नाउन को क्वालिफाई करने वाली चीज़ क्या होती है दैट इज नॉट प्रो नाउन नाउन को क्वालिफाई करने वाली चीज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं एंड बिकॉज इट इज शोइंग द पोजेशन That is why it is Clear है? यहां तक बात समझ में आ गई इसके बाद एक और तरीके से भी आपको समझा देता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और जब मैं आपको बताऊंगा तो यू फील के यार हमने पहले क्यों नहीं सोचा सर के आने से पहले हम क्या कैसे इसको मिस कर गए इस पॉइंट को देखिये शुरू से आप पढ़ते आयो अभी हमने डेफिनेशन लिखी भी हुई है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन तो योर से पहले यहां कौन सा नाउन मौजूद है जिसको योर रिप्लेस कर है या माय से पहले यहां कौन सा नाउन मौजूद है जिसको माय रिप्लेस कर है माय तो किसी नाउन को रिप्लेस कर ही नहीं रहा तो जब वो रिप्लेस कर ही नहीं रहा किसी नाउन को तो हाउ कैन वी कॉल इट अ प्रोनाउन क्योंकि प्रोनाउन की तो बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस नाउन तो यहां पर तो वो उसको रिप्लेस कर ही नहीं रहा तो जब वो रिप्लेस ही नहीं कर रहा तो हम किसी भी तरह से उसको प्रोनाउन नहीं कह सकते सो दैट इज वाई वो कॉल देम ऑल ऑफ दीज वर्ड्स ये जो पूरा कॉलम आपके सामने लिखा हुआ है इस सारे को हम क्या कहते हैं इसको पोजिसिव प्रोनाउन नहीं कहते दे आर कॉल्ड पोजेक्टस आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा अब आगे पढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं समझा देते पोजेसिव प्रोनाउन कैसे होगा देखें अगर मैं आपसे कहूं दिस बुक इज माय बुक दिस बुक इज और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं दिस बुक इज माइंड अब देखिएगा माइंड ने क्या किया माइंड ने क्या किया रिप्लेस द बुक ऊपर हम क्या कह रहे थे दिस बुक इज माई बुक ये किताब मेरी किताब है अब वो दोबारा द दो बुक ये जो वर्ड ऊपर हम कह रहे थे ये वाला माइंड ने क्या किया इस बुक को रिप्लेस कर दिया दोबारा हमें बुक जरूरत बुक इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी नहीं है और दूसरी तरफ इसने क्या किया इसने इस बुक का ये जो माय बुक हम कह रहे थे मेरी बुक उसका पोजेशन भी शो कर दिया तो बिकॉज इट इज रिप्लेस्ड अनाउन तो इसको हम क्या कहेंगे अब ये प्रोनाउन के डेफिनेशन पे पूरा उतर है एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो शोइंग द पोजेशन माइन मेरी तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं तो ये दोनों चीजें मिलके द बिकम उल्टा पढ़ ले इसको दोनों चीजें मिलके क्या बनती हैं क्यों है? because it is replacing a noun, और possessive क्यों और पोजे ऑफ इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या हुआ इट बिकॉम प्रोनाउन सो इन दोनों में आपने अब ये ध्यान रखना है और तौर पे जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं इसमें वो है जी हिज इस पर हम अभी आगे एग्जाम्पल्स भी करेंगे हिज का खास ख्याल रखना है आपने क्योंकि हिज पुजस्व प्रोनाउन में भी वही है और पोजस्व एडजेक्टिव में भी वही है बाकी हर जगह आपको फर्क पता लग जाएगा यहां इसका फर्क ढूंढना मुश्किल है मुश्किल क्यों है क्योंकि वो सिंगुलर में भी वही है और प्लुरल में भी वही है इसलिए इसके बारे में मोहतात रहिएगा दूसरा इस टेबल में मैं हाईलाइट कर देता हूं यू इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है क्यों ध्यान से देखना है इसलिए कि ये सिंगुलर में भी वही है प्लूरल में भी वही है सब्जेक्टिव में भी यही है और ऑब्जेक्टिव में भी यही है सो so, यहां पर केस आइडेंटिफाई करना आपके लिए जहां भी कहीं केस का के एरर आएगा आगे चल के भी हम एर करते हैं तो जहां भी केस का के एरर आएगा तो वहां पर यू को पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बिकॉज यू सिंगुलर में भी सेम है और प्लुरल में भी सेम है सब्जेक्टिव केस में भी सेम है और ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम है बाकी आप हर जगह देख रहे हो कि डिफरेंस है यहां आप देखें जब हम वई की बात करते हैं तो वुई और अस क्लियर पता लग जाता है कि ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है या ऑब्जेक्टिव केस में आए और मी यहां भी क्लियर पता लग जाता है कि ये ये सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव एंड सेम इज द केस केस ऑफ एवरी अदर प्रोनाउन बट इन यू थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज यू का सब्जेक्टिव केस भी वही है और ऑब्जेक्टिव केस भी वही है सो so ये टेबल होपफुली आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे और देखते हैं कि इन पर्सनल प्रोनाउन के और इनके केसेस के हवाले से किस तरह के एरर्स जो है वो हमें आ सकते हैं सो नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि हम हमारे एरर्स क्या हैं और हमने उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना ले जी अब हम पर्सनल प्रोनाउन के एरर्स की तरफ जा रहे हैं बैकग्राउंड uh, सारा आपको बता दिया और केस uh, और नंबर का भी फ़र्क समझा दिया क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके एरर्स भी आएंगे अब जो पहला एरर हम करने जा रहे हैं इसमें वो ये पहला रूल बेसिकली देख लें वो ये है कि प्रोनाउन मस्ट एग्री विद्स एंटीसीडेंट कि प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए अब एंटीसीडेंट क्या है एंटीसीडेंट वो नाउन प्रोनाउन है जिसके लिए बेसिकली प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर रहे होते ठीक है इन टर्म्स ऑफ किस किस तरह से उसको अग्री करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर जेंडर चाहिए जो नाउन का है, कि अगर है तो प्रोनाउन भी है या मेस्कुलन है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन भी मेस्कुलन या फैमनन होना चाहिए एंड दर्ड थिंग अगर नाउन सब्जेक्टिव केस में है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए नाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो फिर प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए दैट मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस अब इसको देख लेते हैं अभी दो एग्जांपल्स लिखवा देता हूं अगर मैं आपसे ये कहूं के शी हर सेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर लॉस और दूसरी तरफ मैं कहूँ शी Himself was, was responsible for her loss. So you can easily judge that the antecedent is. Feminine, but in the second sentence, the pronoun we are using is masculine. So, option B will not be the right option, and we will mark option A as the correct option. Same is the case with number the bench. announced its verdict at noon, or beta main the bench announced

रीजन उसकी क्या होगी रीजन बड़ी सिंपल है उसकी कि यहाँ पर जो ऑप्शन बीटा है इसमें हमारा जो प्रोनाउन है दैट इज नॉट इन एग्रीमेंट एग्रीमेंट्स एंटीसीडेंट एज नंबर इज कंसर्न हमारा जो एंटीसीडेंट था वो सिंगुलर था और जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं वो क्या है फ्लूरल है सेम इज द मैटर विद केस केस में भी अगर वो सब्जेक्टिव है तो फिर आप उसको प्रोनाउन को भी सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे subject, तो उसका प्रोनाउन भी क्या होगा वो भी सब्जेक्टिव केस में होगा अभी सुनने में तो बड़ी आसान बात है कि सर ये तो हमें पता ही है कि सब्जेक्ट subject को सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे बट खासतौर पर जो आपके व्हाट्सएप की चैटिंग है उसमें आप बहुत सत्यानाश करते हैं मसलन आप में से जो बच्चे देख रहे हैं वो बहुत सारे बच्चे उस बात को रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से व्हाट्सएप करते हुए आप एक दूसरे को कह रहे होते हो मी कैन नॉट अंडरस्टैंड नो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट अंडरस्टैंडिंग ना इन दैट प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो आप सब्जेक्ट हैं तो मी कैन नॉट अंडरस्टैंड नहीं हो सकता आप कहते हो मी नॉट गोइंग आई एम नॉट गोइंग मी नॉट गोइंग कुछ नहीं होता सो so, सब्जेक्ट के तौर पर अगर यूज हो रहा है आपके एंटीसीडेंट उसका प्रोनाउन भी क्या होगा वो भी सब्जेक्टिव केस में होगा एक तो ये बड़ा सिंपल सोल्यूशन बता दिया थोड़ा सा समटाइम कंप्लेक्स ट्रिकी हो जाता है कैसे मैं कहूं अगर के इट वॉज मी हु मेड दैट एरर और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं कि इट वॉज इट वॉज हाय हु मेड दैट एरर अब स्पोकन में आप नॉर्मली क्या कह रहे होते हो इट वॉज मी बट यू आर मेकिंग दैट एरर न आई मेड दैट आर वो कह रहे हैं इट वॉज आई मेड दैट एर सो ही मेड दैट एर ही सब्जेक्ट तो जब आप उसको एज सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो तो उसका जो प्रोनाउन है वो भी क्या होगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा एंड नॉट ऑप्शन एल्फा दिस इज हाउ इट गोज कि आपने इस तरह से उसकी जो है वो तैयारी करनी है दूसरा ऑप्शन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दूसरा रूल दैट इज रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस आ जाए और वो डिफरेंट पर्सन uh, से हो कोई फर्स्ट पर्सन भी हो सेकंड पर्सन भी हो थर्ड पर्सन भी हो तो फिर ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा कौन सा प्रोनाउन बाद में आएगा तो ये बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिएगा दो इसमें कैटेगरीज हैं एक तो चीज है कि पहले आप देखेंगे कि नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है अगर तो कोई पॉजिटिव न्यूज है पॉजिटिव न्यूज है तो फिर ऑर्डर क्या होगा फिर होगा सबसे पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड और एंड पे आएगा फर्स्ट ये है अगर कोई आप अच्छी खबर दे रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर सबसे पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन लेकिन अगर इसी में आप कोई नेगेटिव न्यूज दे रहे हैं कोई बुरी बात बता रहे हैं कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन कहने हो रही है तो फिर क्या होगा फिर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन देन थर्ड पर्सन और देन आपका आएगा बिल्कुल एंड पे आपका आएगा एंड पे आएगा सेकंड पर्सन अब ऐसा क्यों होगा ऐसा इसलिए होगा कि इसकी बेसिस जो है वो हमारी क्या है मॉरल वैल्यूज है इसमें एक चीज और आप बड़े ध्यान से देख लें कि थर्ड पर्सन दोनों सूरतों में मिड में ही है थर्ड पर्सन का इश्यू नहीं वो मिड में ही आएगा सिर्फ आपने देखना है कि अगर अच्छी खबर है तो पहले सेकंड पर्सन और अगर बुरी खबर है तो पहले फर्स्ट पर्सन पहले आप खुद और अगर अच्छी खबर है तो सबसे पहले सामने वाला अच्छा अब इसके रीज़न क्या है मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारी मोरालिटी हमसे ये तकाजा करती है कि अगर कोई अच्छी बात है तो सबसे पहले उसका क्रेडिट उस शख्स को दिया जाए जो हमारे सामने मौजूद है ओबियसली अगर वो हमारे सामने मौजूद है तो फिर हम उसको इस बात का क्या करेंगे क्रेडिट देंगे कि भाई सबसे पहले आपने काम किया फिर थर्ड पर्सन वो जो शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था उसको क्रेडिट देंगे कि यस ही आल्सो प्लेड अ वाइटल पार्ट इन दैट सक्सेस या इन दैट गुड थिंग और एंड पे आप फिर अपनी हम्बली ख़ुद को भी उसमें इंक्लूड करेंगे कि यस आपका भाई भी इन्हीं में शामिल था ऑन द अदर हैंड अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है कोई बुरी बात है तो फिर भी हमारी मोरलिटी का तकाजा ये है कि सबसे पहले हम कहें भाई मैं वो शख्स था जिसने ये चवल मारी थी ठीक है मैं वो बंदा था जिसने ये फजूल हरकत की थी ये आपकी मोरालिटी का तकाजा है कि आप सबसे पहले ख़ुद को प्रेजेंट करें फॉर क्रिटिसिज्म दैट आई वाज द वन हु मेड दैट मिस्टेक ये मुझसे गलती हुई थी फिर वो तीसरा आदमी जो वहाँ शामिल नहीं है उस वक्त बैठा नहीं है और एंड पे जो सामने बैठा है उसको आप कह सकते हैं कि भाईजन आप भी इतने शौखे ना आप भी इसी में थे मैं कहता हूँ कि मोरालिटी का तकाजा भी है सेफ्टी का तकाजा भी यही है क्योंकि अगर आप स्वेटर अवे उसको कहेंगे मुंह तोड़ देगा आपका ठीक है कि तो इतना जो है ना वो होशियार ना बन सबसे पहले तूने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया तो ये एक मोरालिटी बेस्ड रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं लेकिन ये दोनों सिनारी हैं सिंगुलर केसेस में कि जब आपका प्रोनाउन सिंगुलर है अगर प्रोनाउन प्लूरल है जैसे वी दे अगर प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा है तो फिर इन इधर केस फिर चाहे नेगेटिव न्यूज है या पॉजिटिव न्यूज है दोनों ही सूरतों में हम एक ही काम करेंगे और वो क्या करेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फिर हम इस पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि भाई फर्स्ट पर्सन को पहले लाओ नेगेटिव में और सेकेंड पर्सन को पहले लाओ पॉजिटिव में फिर चाहे न्यूज नेगेटिव है या पॉजिटिव है इससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के हिसाब से हम उसको टिका देंगे वजह उसकी क्या है वजह उसकी बड़ी सिंपल है वजह उसकी सिंपल यह है कि जब आप ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो यू आर नॉट पॉइंटिंग टू अ सिंगल पर्सन आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहे आप एक जनरल बात कर रहे हो सभी की कलेक्टिवली बात कर रहे हो तो कलेक्टिवली में जिस तरतीब से वो आए हैं उसी तरतीब से अब उनके जिम्मेदारी भी डालते जा रहे हो चाहे वो अच्छी बात की है या चाहे वो बुरी बात की है क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आया था ना तो उसका जिक्र भी पहले आएगा फिर सेकंड पर्सन आया था तो सेकंड पर्सन का जिक्र भी उसके बाद आएगा और एंड पे थर्ड पर्सन आया तो थर्ड पर्सन की जिम्मेदारी भी एंड पे जाएगी यहाँ पर मोरलिटी अप्लाई क्यों नहीं हो रही दोबारा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मोरलिटी इसलिए अप्लाई नहीं हो रही कि यहाँ मैटर ही नहीं कर रहा क्योंकि आप किसी को इंडिविजुअली पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि आपकी वजह से हुआ आप सबकी बात कह रहे हैं तो अच्छी खबर है तो तब भी बुरी खबर है तो तब भी और एक लास्ट बात मैं उस वाले बॉक्स में लिख रहा हूं लेकिन ये इससे रेलिवेंट रूल है मैं लिख भी देता हूं यहां इंग्लिश में हम कहते हैं नो न्यूज इज कि अगर कोई बुरी बात नहीं हो रही ना तो चटमी सब अच्छा है इसी तरह आपने इसको गुड और पॉजिटिव और करना मसलन अगर मैं आपसे कहूं एंड आई आर फ्रेंड्स तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है बल्कि समटाइम अगर आपके दोस्त फजूल हो तो यह समाइम शर्मिंदगी की, की बात है कि आप बड़े शर्मिंदा कहते हैं के हाँ यार वो भी मेरा दोस्त है I'm, I'm really तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम पॉजिटिव न्यूज़ इसको कंसिडर करेंगे बिकॉज को बुरी बात नहीं हो रही सो नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ के मसलन सपोज जैसे कोविड के स, आ, दिनों में अगर अचानक हमें खबर मिलती या अचानक टीवी पे खबरें आना कोविड की बंद हो जाती थी तो हम क्या फील करते थे कि नाउ इट इज़ ओवर अलहमदिल्ला अब सब कुछ सही है इस तरह से जब कोई खबर नहीं आ रही या कोई बुरी बात नहीं बताई जा रही तो इट मीन के सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको ट्रीट करना है बाकी जब हम अभी स्लाइड्स पर जाएंगे तो मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी काफी सारे उस पर करवा दूंगा अच्छा जी तीसरी चीज आफ्टर एज एम वॉस एज देन इन के बाद we generally use इन सब के बाद जनरली स्पीकिंग हम क्या करते हैं हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं कंपल्शन नहीं है बट मोर ऑफन देन नॉट आपका क्या होगा सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल होगा वजह कि इनके बाद अमूमन जितने भी प्रोनाउन हैं वो सारे के सारे एज अ सब्जेक्ट ही इस्तेमाल हो रहे होंगे एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे लेकिन अगर कहीं एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे तो वो हम पहले ही बात कर चुके कि अगर कोई ये हमने देखा कि अगर कोई एंटीसीडेंट ऑब्जेक्टिव है तो फिर उसके साथ प्रोनाउन भी क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा और अगर कोई एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव है तो फिर उसके साथ प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में आएगा लेकिन ये जनरली बता रहा हूँ ट्रेंड बता रहा हूँ आपको कि इज एम आर वॉज वैन इनके बाद हमेशा क्या होगा सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल नहीं करेंगे नेक्स्ट देखते हैं अगला रूल इंपॉर्टेंट है आफ्टर वर्ब ओनली ऑब्जेक्टिव केस इज यूज वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं वर्ब के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं हम क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं क्यों हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं बड़ा कॉमन है देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक फॉर्मेशन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं न? बड़े प्राइमरी लेवल से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं ये फॉर्मेशन फॉर्मेशन सब्जेक्ट सब्जेक्ट बेसिक है सेंटेंस की subject, वर्ब तो जब नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा वो भी क्या होगा That will be obviously in. वो भी सब्जेक्टिव केस में कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही हो सकता है क्योंकि जब इट सेल्फ नाउन ही किस में ऑब्जेक्टिव uh, केस में है तो फिर उसकी जगह पर जो इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में कैसे हो सकता है वो भी सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल नहीं होगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अक्सर आप इसको मिस करते आफ्टर आफ्टर प्रपोजिशन नॉर्मली We use. Objective case. के हम objective case use करते, करते। उसकी वजह भी सुन ले बढ़िया सिंपल है, है दोबारा से preposition के बारे में हम क्या कहते हैं preposition एक डे वन से हम पढ़ते आए हैं इट इज इट स्टेब्लिशेज द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन तो लिंक इन दो चीजों को करती है ना ठीक है कि सब्जेक्ट और किसको लिंक करती है ऑब्जेक्ट को लिंक करती है सो इट इज अंडरस्टूड जैसे यहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था तो प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आने सपोज सब्जेक्ट और आगे फिर वर्ब और जो भी आएगा उसके बाद प्रेपोजिशन और फिर क्या आने ऑब्जेक्ट तो जब के बाद जो इट सेल्फ नाउन आ रहा है बिल्कुल इसी वाले की तरह, जब एज हो रहा है, तो उस नाउन की जो रिप्लेसमेंट आनी है, है वो भी एज एन ऑब्जेक्ट ही आएगी ना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखते हो क्रिकेट में एक कैप्टन होता हो है और वाइस कैप्टन होता है पढ़ते हैं ना कैप्टन होता है और फिर वाइस कैप्टन होता है तो जब कैप्टन किसी वजह से नहीं खेल रहा होता तो वाइस कैप्टन उसी टीम का कप्तान बनता है ना अब ये तो नहीं है कि सपोज़ बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कैप्टन है और अल्लाह ना करे वो किसी वजह से इंजर्ड हो जाए तो शदाब खान जो वाइस कैप्टन है वो जाकर ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन तो नहीं बनेगा ना जिसको वो असिस्ट कर रहा था जिसकी जगह पर वो बेसिकली एक फिलअप कर रहा है उसके शूज़ को तो उसी रोल में ही आएगा ना वो तो यहां भी चूंकि इट सेल्फ नाउन एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है वर्ब और प्रशन के बाद तो नॉर्मली हम क्या करते हैं जो प्रोनाउन है वो भी क्या होता है वो भी एज एन ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है सब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही जिसमें अक्सर ही आप गलती करते हो बिफोर जेरेंट ओनली पोजेसिव एडजेक्टिव कैन बी यूज जेरेंट से पहले जो है वो सिर्फ प्रोजेसिव एड्जेक्टिव यूज हो सकते हैं अब जेरेंट क्यों होता है इट इज बेसिकली अ वर्ब बट यूज एज अउन जैसे मैं कहूं ही लाइक्स स्विमिंग अब स्विमिंग बुनियादी तौर पर तो क्या है बुनियादी तौर पर तो वर्ब है बट यहां पर ये यह स्विमिंग जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है या मैं कहूं कि स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट तो यहां पर भी स्विमिंग क्या है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है एज नाउन यूज हो रहा है हालांकि इसी को मैं कहूं अगर ही इज स्विमिंग यहां पर स्विमिंग क्या है ये वर्ब है तो ये बुनियादी तौर तो पर तो वर्ब होता है बट इट इज यूज एज नाउन उसको हम कहते हैं जेरिट अब जेरिट से पहले प्रोनाउंस में से सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव लग सकता है और कोई नाउन और और कोई इसका जो केस है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और कोई भी केस जो है वो नहीं लग सकता उसकी वजह ये है कि जैरेंड क्या है अभी हमने कहा कि जैरेंड एज अ नाउन तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम वैसे भी क्या यूज करते हैं वैसे भी हम यूज करते हैं एडजेक्टिव जैसे हम कहते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय तो बॉय को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया एडजेक्टिव तो जब जेरेंड यहाँ पे इस्तेमाल ही एज अ वर्ब नहीं हो रहा बल्कि एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इससे पहले हम क्या यूज करेंगे इससे पहले सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे अब इसको वाइसे वर्षा भी डिस्कस कर सकते हैं नाउन कैरियर में वो पूछते थे कि जेरेंड से पहले जैसे हम कह रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा पोजेसिव तो एडजेक्टिव के बाद क्या लगेगा ऑब्वियसली तो दोनों सूरतों में डिस्कस हो सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद आपने क्या यूज करना है एडजेक्टिव के बाद दैट इज और इसके वायसे वर्षा भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि जैरन से पहले आपने क्या यूज करना है पोजेसिव एडजेक्टिव सो अब इन सारी जो हमने डिस्कशन की इसकी एग्जाम्पल्स के लिए आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स की तरफ सो आए स्लाइड्स पे चलते हैं और अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं ले मेरे बच्चों हम आ गए हैं स्लाइड्स पे और अपना काम हम अब देखते हैं एमसीक्यूज कैसे इसको देखने पहला एमसीक्यू आप देखिए तो नेक्स्ट मॉर्निंग में द डायरी वाज एग्जीबिটেড इन द कोर्टयार्ड द होल विलेज वाज स्टंड बाय व्हाट दे सॉ अब पहले में आप देखिएगा अल्फा ऑप्शन जो आ रही है इसमें दे सॉ है हालांकि वी आर टॉकिंग अबाउट विलेज विलेज इज हालांकिर नाउन ये वो अग्रीमेंट क्या है जो मैं कह रहा था कि प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर जेंडर एंड केस तो अब यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि नंबर क्या आ है दे सॉ नहीं होगा इन द सेम वे चाली ऑप्शन में ही सॉ है और डेल्टा ऑप्शन में शी सॉ है तो विलेज के लिए ना शी जेंडर का भी एरर है और नंबर का भी एरर है इसलिए द करेक्ट ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं अपियर हो रही है दैट इज बीटा नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने एरर जो था हमारा ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन जिसमें मैंने आपको बताया था कि गुड न्यूज के लिए सबसे पहले सेकेंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट और बैड न्यूज के लिए पहले फर्स्ट फिर थर्ड और एंड पे सेकेंड तो पहला एम सी क्यों आप देखते हैं आई यू एंड ही आर परफॉर्मिंग अप टू द एक्सपेक्टेशन अब ये गुड न्यूज है

आई ही एंड यू सबसे पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकेंड पर्सन एंड देन फाइनली वी आर पहले फर्स्ट पर्सन फिर थर्ड पर्सन एंड देन फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पर्सन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि प्लूरल में अच्छी खबर होगी या बुरी खबर होगी तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के हिसाब से चलेंगे तो उसमें हम देखें डेल्टा ऑप्शन आपको नजर भी आ रही है कि डेल्टा ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है कि वी यू एंड दे ये प्लूरल है तो हम इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे अभी अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी दोनों सूरतों में सेम रहेगा एक बड़ा ए, टिपिकल एम जो आता है अक्सर आया भी हुआ है वो है कि आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर यू एंड दे आर लुकिंग बैक टू पास्ट गुड मिस्टर चिप्स की लाइन है आपकी बुक की लाइंस मैंने काफ़ी सारी इसमें ऐड की हैं क्योंकि वो फेमिलियर लाइंस होती हैं तो आपको समझना उससे आसान होता है तो ये देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं वो समझते हैं कि दे आ गया तो वो प्लूरल कर देंगे उसको हालांकि दे तो तीन में से सिर्फ एक प्लूरल नाउन है ना बाकी आई एंड ही आई एंड यू सॉरी दैट इज नॉट द प्लूरल नाउन वो दोनों ही प्लूरल नाउन नहीं है वो सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हमारी ऑप्शन जो है दैट विल नॉट बी ऑप्शन एल्फा आप समझ रहे होंगे कि अल्फ़ा ऑप्शन सही है कि पहले आए फिर यू सेकेंड पर्सन एंड देन

आगे देखिएगा योर मदर एंड आई वन शी वॉज नाइनटीन एंड आई वॉज ट्वेंटी टू क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टूगैदर इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि योर मदर एंड आई क्योंकि वो थर्ड पर्सन है योर मदर एज द थर्ड पर्सन एंड आई एज़ द फर्स्ट पर्सन तो पहले थर्ड पर्सन आना है और फिर फर्स्ट पर्सन आना है क्योंकि अच्छी बात है अच्छी बात में हमने क्या करना है फर्स्ट पर्सन को एंड पे लेके जाना है खुद क्रेडिट सबसे आखिर पे लेना है पहले क्रेडिट नहीं लेना ले जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमने रूल किया था कि एज एम आर वॉज वर और एज दैन के बाद हम सब्जेक्टिव केस नॉर्मली यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करते जनरली स्पीकिंग हम ये करते हैं ठीक है क्योंकि इनके बाद नॉर्मली सब्जेक्ट्स ही आते हैं अगर कहीं ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो फिर हम पहले वाले रूल की तरफ वापस चले जाएंगे कि प्रोनाउन मस्ट एग्री विद विदर्ट्स एंटीसीडेंट तो अगर एंटीसीडेंट ऑब्जेक्टिव में होगा तो फिर तो अंडरस्टूड है कि प्रोनाउन भी क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा सो so, पहली लाइन पहला एम सी क्यू हम करते हैं मोर ऑफन देन मी शुड विश नहीं होगा मोर ऑफन देन आई शुड विश होगा सो so, इसके अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट बाकी आप अल्फा में देखें तो मोर ऑफन देन मी शुड विश है एंड बीटा में माई शुड विश है तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं और डेल्टा में माइन शुड विश है तो ये तो तीनों ही नहीं हो सकते एज एम आर के बाद क्या आना है हमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम सब्जेक्टिव केस यूज करना है माई डियर फेलो यू आर than me अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट गलती आप करते हो अक्सर हम कहते हैं यू आर क्लेवर देन मी नो यू आर क्लेवर देन आई ठीक है अब ये क्यों एक तो क्लियर है than, as than के बाद हमने क्या यूज करना है सब्जेक्टिव केस यूज करना है दूसरी इसमें एक और वजह भी है आगे ऑब्जेक्टिव में चल के हम देखेंगे एडजेक्टिव uh, में जब आप कंपैरिजन करते हो किसी चीज़ का तो दोनों चीज़ें हर तरह से पैरल होनी चाहिए बिल्कुल उनको एक लेवल uh, का होना चाहिए तो जब आप कह रहे हो कि यू आर फिटर than आई तो यू सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल कर रहे हो तो आई भी क्या होगा सब्जेक्टिव केस में उस कंपैरिजन का तकाजा भी यही है यह जब आप कहते हैं कि आई एम बेटर देन हिम तो हिम नहीं हो सकता बिकॉज आई आप किस में यूज़ कर रहे हो सब्जेक्टिव केस में तो आपका कंपैरिजन भी किससे होगा कंपैरिजन भी ऑब्वियसली उसी से होगा जो सब्जेक्टिव केस में होगा तो यू आर फिटर माय डियर फेलो यू आर फिटर हिसाब से आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे सीक्रेटली बिलीव डेट मॉलवी अबुलट दैट टू गेट एज मच मनी एज ही डिजायर्ड फ्रॉम द एंजल्स एज हिम डिजायर्ड नहीं होगा ठीक है एज ही डिजायर्ड तो एज के बाद भी हमने क्या यूज करना है सब्जेक्टिव केस यूज करना है सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्लिंग आगे uh, बढ़ते हैं बट एज सोन एज ही बिग्न टू मूव ही फेल्ड ही कोडेंट ही वॉज टू टायर्ड अब यहां भी देख रहे हो एज ही बिग्न टू मूव एज के बाद भी हम क्या यूज करें सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करें ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं रहे और हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन चार्ली आगे देखते हैं आगे हमने किया था कि वर्ब और प्रिपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा सो देखिएगा फर्स्ट एमसीक्यू हमारा हु न्यू हिम होगा न्यू वर्ब है तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आनी है ना न्यू ही नहीं हो सकता न्यू हेज नहीं हो सकता न्यू हर नहीं हो सकता ठीक है न्यू हर इसलिए भी नहीं हो सकता कि किल्ड है ना तो आ, ही के लिए आप हर तो नहीं यूज कर सकते जेंडर का जो है ना वो डिसग्रीमेंट आ जाएगा तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली सो so, आपने देख लिया कि दोजू न्यू हिम वर्ब के बाद आप क्या यूज कर रहे हो ऑब्जेक्टिव केस उसका यूज कर रहे हो

ऑप्शन डेल्टा नेक्स्ट एम सी क्यू जो है वो स्पॉट डी एलर के एम सी क्यू है और गॉड बी प्रेज में से एम सी क्यू है ये वो कहते हैं कॉमन जी डोंट लुक डिसअपॉइंटेड एंड प्रे डोंट गिव माई इवन अब गिव के बाद क्या है डो नॉट गिव मी ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज करना है बार बार, बार बता रहा हूँ तो गिव मी आएगा गिव माइन या माए या और ऐसी कोई चीज नहीं आएगी सो और करेक्ट ऑप्शन विल भी ऑप्शन चार्ली ले नेक्स्ट हमने किया था कि प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगेगा सो so हम पहले एम सी क्यों देखते हैं द मेजा ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट बट दैट वॉज नॉट अंग देगा ना देर होगा और ना ही हिज होगा क्योंकि हिज करेंगे तो वो तो मेजाए चूंकि प्लूरल है तो इसलिए हिज़ तो हो ही नहीं सकता इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी

जैरन क्यों लगने क्योंकि के बाद नाउन लगता है ठीक तो है तो नाउन अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब को नाउन बनाने का एक ही तरीका है वो क्या है कि उसको हम जैरन में कन्वर्ट कर दें इसको रिवर्स भी हम देख सकते हैं कि जैरन से पहले क्या लगेगा पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा और कोई चीज नहीं लगेगी सो so, उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं द गवर्नर वुड ऑफ कोर्स अग्री टू यू बीइंग एडिक्वेटली पेंशन अब apparently आपको ये बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जो है है? वो क्या है? That is gerund. और हम 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 बात कर चुके कि gerund is actually a noun. verbal इसको इसको कहते हैं। आगे के में भी करेंगे वर्बल नाउन उसको कहते हैं तो वर्बल नाउन से पहले ये नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए पोजेसिव प्रोनाउन नहीं चाहिए so, इसलिए हमारी जो राइट ऑप्शन होगी वो क्या होगी द गवर्नर वुड एग्री टू योर बींग एडिकुएटली पेंशन दैट इज ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम नहीं होगा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बींग क्योंकि जैरन लग गया जैरन क्या होता है आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब तो जैरन से पहले हमने क्या करना है पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते दो या ऑब्जेक्टिव केस उसका यूज नहीं कर सकते तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हियर सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा द लास्ट वन गाउट इन इट्स मोस्ट मैलिग्नेंट फॉर्म इट वुड अपेयर हैड से हैड सीज्ड विदाउट सीज़ मी विदाउट माय बीइंग अवेयर ऑफ इट अब बीइंग भी जेरंड है तो जेरंड से पहले मी नहीं लगेगा जेरंड से पहले क्या लगेगा विदाउट माय बीइंग अवेयर ऑफ इट सो द राइट ऑप्शन फॉर अस बी ऑप्शन बीटा ले जी ये आज की स्लाइड्स थी होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा और अब हम चलते हैं वापस लेक्चर के